ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बैट्समैन है जो 25 रन बनाता है, किस तरीके से? पहले सिंगल रन से बनाता है, फिर 4 रन से, फिर 6 रन से। ओके, ये सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली बताना क्या है। देखिए, यहाँ पे तीन तीन तरह के हम सिचुएशंस को ले सकते हैं। ओके, मैं आपको स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम घर पे बैठे आराम से देख रहे हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन हॉल में टफ क्वेश्चन था क्योंकि इस पर सोचना पड़ता था, तो मैंने इसे छोड़ना बेहतर समझा क्योंकि मैं दूसरे क्वेश्चन पे गौर कर रहा था। ओके, सो देखिए, यहाँ पे अगर मैं सिंगल्स को कंसिडर करता हूँ, सो देखिए, मैं पहले सब में पहले क्या कर सकता हूँ, एक सिक्स ले सकता हूँ, एंड बाद में क्या ले सकता हूँ, सिंगल्स ले सकता हूँ। फिर बाद में किस तरीके से बना सकता हूँ, एक बार 6 रन, 6 रन यानी 6 रन यानी 4 रन, देन 1 रन, इस तरीके से बना सकता हूँ। देन बाद में फोर्स, देन क्या ले सकता हूँ मैं, सिंगल्स ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ। तो ये तीन सिचुएशन हमारे पास बन सकती है, तो अब हमें इसी ही डील करना है कि मतलब इसे सारे मतलब एक क्वेश्चन को, ये जो भी सिचुएशन है या केस है, जो भी आप इसे कहिए, इसे किस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने 6 रन मारे तो उसमें कितने बार मैं सिंगल रन लूंगा, अगर मैंने 6 4 मारे, 6 6 भी मारे, 4 भी मारे, फिर और सिंगल कितने बार काउंट होगा, अगर मैंने सिर्फ 4 और सिंगल ही मारे तो कितने बार काउंट होगा, तो इसकी सीक्वेंस लगाना है हमें, तो हम अभी वही देखने वाले। ओके, सो अभी मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम किस तरीके से काउंट करेंगे। हम पहले देखिए 4 को ले लेते हैं। ओके, 2 सेकंड में अपना पेन। ओके, तो मैं यहाँ पर फोर्स एंड सिंगल्स को गिन रहा हूँ। ओके, अगर मैं कोई बैट्समैन है, वो पहले 4 रन बनाता है और बाद में 1 रन बनाता है, तो कितने ऐसे सीक्वेंस बनेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, 4 का पारा वहाँ तक, मतलब 4 का टेबल वहाँ तक पढ़ना होगा जहाँ तक 24 आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो 4 को 6 बार 6 टाइम गिनने पर कितना होगा, 4 6 24, और उसमें 1 मिलाने पर यानी सिंगल मिलाने पर कितना हो जाएगा, ये 25 में हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस है, आप इसी तरीके से, आप ये यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स हो जाएगा, आप इसी तरीके से आप 4 5, देन यहाँ पे 4 5 कितना होता है, 20 होता है, फिर इसमें आप कितने मिला देंगे, 5 मिला देंगे। तो ये ऐसी कितनी सिचुएशन हो जाएगी, ये सेकंड। तो अभी इस पे गिन के बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने सीक्वेंस होने वाले हैं, करीब 6 सीक्वेंस ऐसे होने वाले हैं जहाँ पे हम 4 रन 6 बार मारेंगे, 4 रन 5 बार मारेंगे, 4 रन 4 बार मारेंगे, और जितने भी बच जाते हैं उसे सिंगल से मिला देंगे। जैसे हम यहाँ पे 4 6 24, तो हम यहाँ पे 1 सिंगल मिला रहे तो 25 हो जा रहा है, 4 5 20, और यहाँ पे फिर हम 5 रन मिला रहे और 25 हो जा रहा है, तो हमें कुल 25 रन इसमें दिया है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 25 रन हमें बताना है, निकालना है, ये दिया हुआ है वहाँ पर। सो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास कितनी सिचुएशन आ जा रही है, 6 सिचुएशन आ रही है, और इसी तरीके से सिंगल की सिचुएशन कितनी है, हम सिंगल 25 रन बना सकते हैं, तो वो एक ही सिचुएशन है। ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, ये तो हमारी किसकी सिचुएशन थी, 4 रन की सिचुएशन थी और सिंगल के साथ, अगर मैं इसी को 6 रन के साथ, ओके, और सिंगल के साथ केस गिनूँ तो क्या होगा। देखिए, सब में पहले 6 का पारा वहां तक पढ़िए जहाँ पे 24 बन सकते हैं, कि 6 6 6 6 12 6 13 6 6 24, सो 6 4 टाइम्स क्या हो सकता है, ओके, 24 हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ और बाद में +1, फिर यहाँ पे केस कितना हो गया, ये एक केस बन गया। लेकिन यहाँ पे इसे आसान करने का तरीका क्या है कि ये 4 है तो यहाँ पे ये 4 टाइम ही होगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, फिर बाद में जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा सेवन सेवन आता है। ओके, 2 सेकंड। ओके, सो यहाँ पे 7 आके 25, तो ये ऐसे ऐसे केसेस कितने हो जाएगी इसके, आप बताइए। ओके, 4 हो जाएंगे, राइट। सो ऐसे ये केसेस 4 है, और अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे मैं 6 रन भी मारता हूँ, एंड देन 4 भी मारता हूँ, एंड देन 1 भी मारता हूँ, तो मैं ऐसे कितने 6 को 3 टाइम गिनिए, कितने हो गए, 6 6 6 6 12 6 18। ओके, और इस तरीके से देन मैं सिंगल 1 बना रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब मैं 4 1 मारूंगा, मतलब 4 जो रन है मैं एक ही बार बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे कितने हो जा रहे हैं, 6 या ओके 18, और ये 4 मिलाने पर कितने हो जाएंगे, 22, देन हमें इसमें कितने मिलाने होगा, 3, यानी हम ये एक ही मारेंगे यहाँ पे, 3 जो सिंगल रन है जो हम यहाँ पे ये डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसा केस कितना होगा, ये 1 होगा। ओके, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो हमें बाद में ये काउंट करना है। ओके, एंड देन फॉर एग्जाम्पल, ही व्हाट ही डज, ही जस्ट स्कोर्स लाइक दिस। ओके, 2 6s, एंड देन व्हाट विल बी देयर, 2 6 यानी लाइक 12, ओके, यानी 12 होगा, फिर हमें क्या वैल्यू जोड़ना होगा 24 बनाने के लिए, 4 को 3 बार मारेगा तो, और बाद में
एक सिंगल यहाँ पे होगा, तो ये कितनी कितनी बार हो गया, ये वन सिंगल टाइम का, मतलब ये वन केस हो जा रहा है। और इसी तरीके से आप वो 6 2 टाइम मारेगा, ओके। और फिर बाद में उसे क्या ऐड करना पड़ेगा कि टू कितने बार मारेगा, वो 4 बार, यानी क्या बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो 4 रन है वो 2 बार मारेगा, 6 रन है वो 2 बार मारेगा। तो 6 2 टाइम्स कितना होता है, 12 होता है, और 2 4 टाइम कितना होता है, 12 होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, एक, तो ये केस एक हो जा रहा है। तो यहाँ पे इतना है, ओके। तो ये वैल्यू याद रखिए कि ये 6 बार मुझे यहाँ पे कुछ मिटना पड़ेगा, क्या मिट सकता हूँ, ओके। और इसी तरीके से देखिए, 2 6 है, 2 4 है, तो हम यहाँ पे और एक सिचुएशन को ऐड कर सकते हैं, मतलब एक और केस को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर वो 2 6 मारता है और बाद में सिर्फ 1 प्लस 4 ही हो जाता है, तो बाद में उसके पास क्या बचेगा, एक सिंगल बचेगा, तो ये 1 केस हो जाता है। सो अगर हम इसे ऐड कर लेते तो हमारे पास इस तरीके के कितने केस हो जा रहे, 1 हो जा रहे। और वो ऊपर वाला जो था हमारे पास, जो 3 6 मार रहा था, और देन +1 एंड ~4 कितने थे ये केसेस, ये केस था 1, ओके। तो ये हो गया। और जो 6 4 मार रहा था, ओके, लेट मी वाइप इट आउट, ओके, आई एम इरेजिंग एवरीथिंग हियर, ओके। सो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया था कि एक बार 4 रन मारेगा, उसके बाद हमने सिंगल के साथ उसे ऐड किया था। तो ये कितनी ऐसी सिचुएशन थी, ये करीब 6 सिचुएशन थी, राइट। और हमने जब 6 लिया था और उसके साथ अगर हम सिंगल मार रहे हैं, सिंगल कोई बैट्समैन स्कोर कर रहा है, तो ये कितनी सिचुएशन थी, 4 सिचुएशन थी। और सिंगल की तो एक ही सिचुएशन रहेगी, तो वो कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, ओके। और अगर हम इसे ऐड करते हैं, तो ये सिचुएशन हमारे पास कितनी थी, एक थी, ओके। और ये सिचुएशन हमारे पास कितने थी, 3 थे, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि 2 × 6 देन +1 4 एंड देन सिंगल। तो ये कितनी सिचुएशन हो जाएगी, ओके, ये करीब 3 हो जाएगी, ओके। तो मैं यहाँ पे 3 ही लिख दे रहा हूँ। और देखिए, इसी तरीके से अगर हम 4 का भी केस ले लेते हैं, मतलब जहाँ पर वो 6 1 टाइम ही मारेगा और बाकी हमारे पास कितने रहेंगे, +4 × 4, ओके। तो यहाँ पे ये सिंगल के साथ जो भी आएगा, मतलब जो भी सिंगल होगा, तो ये 6 हो गया। तो अभी 6 में कितने मिलाने पर ये 25 बनेगा, ओके। 4 चौक क्या होता है, 4 4 टाइम्स क्या होता है, 4 के 4 हो गया, 4 चार 16, और 16 और ये 20, और बाकी कितने बचे, सॉरी, ओके, एक सेकेंड। तो हमें यहाँ पे कितने लेना पड़ेगा, देखिए 3 सिंगल्स आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। तो ये 4 सिचुएशन है, तो यहाँ पे हम इसे 4 काउंट कर लेंगे। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे ये काउंटिंग करना है कि ये कितने होता है, 10 हो गया, ये 12, 15, 15 और 4 कितने होते हैं, 19। तो हमारा आंसर भी क्या आना चाहिए, 19, ओके। तो ये हमारा